जा रहे हैं आप लोग? जी हम लोग जा रहे हैं। वैसे आज तो आप लोग बिन बुलाए आ गए, मगर मैं चाहती हूँ अगले हफ्ते भी आप लोग जरूर आए। क्या मतलब अगले हफ्ते क्यों? अरे अगले हफ्ते नीलम और सरमत का निकाह है, आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो माँ यहाँ से चलो। नहीं अम्मी नहीं, बात अब बहुत आगे बढ़ गई, अब अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो मैं बहुत पछताना पड़ेगा। ओहो बुरा लग गया भी नीलम इन्हें। अच्छा ये बताओ तुम लोग बिगाड़ क्या लोगे हमारा? हम उम्मीद को अपने साथ यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ हाँ तो ले जाओ, किसने रोका है? अरे ऐसे ले जाओ, मैं किसी को भी अपनी पोती नहीं दूंगी। और मैं उसे अब यहाँ रहने नहीं दूंगी। अरे ऐसे नहीं रहने दोगी, उस दिन तो तुम लोग बच गई थी ना सरमत की वजह से, मगर आज आज तुम दोनों को मैं ना पुलिस के हवाले करके रहूंगी। मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरती, चाहे जो कुछ भी कर लें आप, मैं उम्मीद को अपने साथ यहाँ से लेके जाऊंगी। अच्छा तो फिर रुको नीलम, जाओ पुलिस वालों को फोन करो। नहीं, नहीं, खुदा का वास्ता किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। अम्मी बस करो, बहुत हो गया, चलो हमें और मुसीबतों में नहीं पड़ना, चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी ऐसा मत, मैंने कह दिया ना चलो मेरे साथ। सुन लो तुम्हारी माँ क्या कह रही है, इसलिए शराफत से ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखा कैसा ठीक किया, अच्छा हुआ शराफत से चली गई। वो तो ठीक है, इसका क्या करूं, मेरा हाथ दुख गया है। अरे तो संभालना इसे बेटा, सरमत के दिल तक पहुंचने की चाबी है ये, समझी ना मेरी बात। चल इसका ख्याल रख, इसका जितना ख्याल रखेगी ना सरमत उतना ही तुम्हारी तरफ आएगा जी।